कोरोना महामारी के चलते अब क्षेत्रीय अस्पताल में डॉक्टरों ने ओपीडी में अपनी सेवाएं नियमित रूप से देना शुरू कर दी हैं, जिसके चलते मरीज काफी तादाद में स्वास्थ्य जांच के लिए अस्पताल की ओपीडी में पहुंच रहे हैं। वहीं मरीजों की बढ़ती तादाद को देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने पुख्ता प्रबंध किए हैं। अस्पताल प्रशासन ने ओपीडी भवन सहित अस्पताल परिसर में 3 ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीनें स्थापित की हैं। इस मशीन की खासियत ये है कि अस्पताल में आने वाले मरीज मशीन को बिना छुए अपने हाथ सैनिटाइज कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जिला अस्पताल प्रशासन द्वारा सभी वार्ड तथा ओपीडी के हर क्षेत्र को समय समय पर सैनिटाइजर भी करवाया जा रहा है। वहीं MS राजेश आलूवालिया ने कहा कि अब अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ रही है और काफी संख्या में मरीज अपना इलाज करवाने के लिए आ रहे हैं, जिसके चलते हर पहलू पर ध्यान रखा जा रहा है और सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा लोगों के हाथों को सैनिटाइज व सोशल डिस्टेंस के बारे में भी बताया जा रहा है। MS आलूवालिया ने बताया कि मरीजों व उनके साथ आए लोगों से अपील की है कि वो ओपीडी तथा वार्ड के क्षेत्रों में भीड़ न लगाएं तथा सोशल डिस्टेंस का पालन करें। जब भी इलाज करवाने के लिए अस्पताल आए तो मुंह पर मास्क लगाकर जरूर आए। रीजनल हॉस्पिटल बिलासपुर में है, अब जो है मरीज जो है वो ज़्यादा आने लग गए हैं। इसको देखते हुए हमने यहाँ पे जो है ऑटोमेटिक सैनिटाइजिंग मशीन लगाई है 3 जगह। एक तो ट्रॉमा सेंटर में है, एक ओपीडी के बाहर है और एक जो मेन एंट्रेंस है वहाँ है, ताकि लोग जो है जब भी एंटर करें अपने हाथ जो है सैनिटाइज कर लें। साथ में उनसे ये भी कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो भी इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहे हैं कि लोग जो हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। साथ में वो भी हैंड सैनिटाइज लोगों के करवा रहे हैं। साथ में लोगों को ये भी बोला जा रहा है कि वो आरोग्य सेतु ऐप जो है उसको भी डाउनलोड करें और जो है ज़्यादा भीड़ न लगाएं, हॉस्पिटल के वार्ड में भी भीड़ न लगाएं और जहाँ पर्ची बन रही पर्ची काउंटर पर भी भीड़ न लगाएं, डॉक्टरों के ओपीडी के बाहर भी भीड़ न लगाएं और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में सहयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर पालन करें। सब मरीजों से ये भी रिक्वेस्ट है कि जब भी हॉस्पिटल में आएँ तो मास्क जरूर लगा के आएँ।